सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो गाइस, जो स्टार्टिंग में आपने मॉन्टाज देखा छोटा सा, वो मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे डाल दिया है। और मतलब जो भी अपने 100-200 बंदे हैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, तो उसको मैं यूट्यूब पे वीडियो आने से पहले उसके लिए मैं कुछ स्पेशल डाल देता हूँ। तो कुछ तो भाई उसके लिए बनता है कि वो मुझे भाई फॉलो कर ले वहाँ पे। तो भाई ये एक और है 20 UC सोलो बोनस चैलेंज मैच, और भाई दो बंदे उतरते हैं शेल्टर में और मैं शेल्टर उतरा हूँ यहाँ पे हर बार की तरह। तो भाई ये मैच बताओ बोला हो तो बिल्कुल गजब तबाहदार होने वाला है। तो जो बिल्कुल एग्रेसिव बट बिल्कुल सेफ खेलूँगा मैं, बिल्कुल सेफली सारा किल निकालूंगा। और अभी किल फीड देखो गाइस, जो सामने दो बंदा उतरा हुआ है उनकी लड़ाई होती है वहाँ पे, और वो भाई शॉटगन से निपटा दिया है। और उसका नाम देख लो एक बार, क्योंकि इसको आगे भी हम देखेंगे। तो भाई मैं उस बंदे का वेट करता हूँ यहाँ पे कि वो आएगा, उसे लपेट लूँगा मैं। बट वो भाई थोड़ा दिमाग वाला होता है और वहाँ पे निकल जाता है यहाँ से बगी लेके, क्योंकि उसे पता था भाई वो आता यहाँ से निपट जाता। और जब मैं लूट ही रहा हूँ तो भाई पीछे बाहर शेल्टर के लड़ाई होती है, तो उधर जाके देखते हैं यहाँ पे। और भाई किल फिर देखो, यहाँ पे एक ही बंदे ने दो बंदे को मारा, और यही वही बंदा है जो शेल्टर लूटने आया था। तो उसने एक टीम अप वाले को निपटा दिया है, और जो टीम अप कर रहे थे उसमें से एक यूट्यूबर था, मतलब भाई गजब करते हैं। और भाई मैं स्मोक डाल के बगी लूटता हूँ, क्योंकि भाई एक नहीं दो तीन बार मर चुका हूँ ऐसे ही लूटते लूटते ही, कि बगी भी बैठता हूँ और बंदे निपटा देते हैं। तो वो बंदा भी तो यहाँ पे सामने था जिसको मैं भी देख रहा हूँ, यहाँ पे एक या दो बगी लगे थे। बट मैं उसको छोड़ के आगे निकल जाता हूँ, और यहाँ पे एक गाड़ी दिख जाता है मुझे। और भाई ये भी टीम अप वाले ही हैं, दो बंदे मिलके मेरे को मार रहे हैं, और गाड़ी का टायर फोड़ दिया मेरा। तो इनको देखता हूँ मैं कि क्या कर सकता हूँ इसका। और भाई यहाँ पे जब रहते हो तो भाई आपको पीछे भी देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत ओपन हो पीछे से, और जो भी करना है जल्दी करो, नहीं तो भाई पीछे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और भाई इस गाड़ी के लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं रहता, नहीं तो निपटा देता इसे ईजिली। और ज़्यादा नहीं, आगे सामने आ जाके ये अपना किल दे देगा इस टीम अप वाले को। तो सामने इस कारल वाले से मर जाता है, और इसका देखते हैं अभी क्या कर सकता हूँ मैं। तो सामने मुझे जो मूवमेंट दिखी थी जहाँ पे मैं भी नेट कर रहा हूँ, वहाँ पे दो तीन नेट डालता हूँ मैं, बट कुछ भी नहीं होता। और वो गाड़ी से लेकर निकल रहे हैं यहाँ पे अभी जोन के लिए। तो जस्ट भाई सारा जो मतलब वेस्ट गया है जो भी स्प्रे मैंने डाली है। और जो भाई बंदा आया था बाद में गाड़ी लेके अपना, उसे मैं स्मोक डाल के लूट लेता हूँ, और इसी का गाड़ी लेके निकल जाऊँगा मैं। बड़ा अच्छा स्किन है ये, बट इसकी एक टायर फूटा हुआ है भाई। और भाई मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा थोड़ा दे देता हूँ स्प्रे, और भाई धुआं निकल जाता है। तो जल्दी मुझे गाड़ी चेंज करने का है, तो ज़्यादा नहीं इधर ही आके मेरे को एक बगी मिल जाता है। और भाई इस पूरे मैच में भाई मैं 200 पिंग के आसपास खेलता हूँ, देख सकते हो आप स्टार्टिंग से बिल्कुल। तो इस पिंग में भी भाई कितने अच्छे किल निकाल के बिल्कुल निकालूंगा एंड तक, वो भी देखने को मिलेगा आपको। तो जोन देख सकते हो कैसा बना था ये बिल्कुल। बट उससे पहले मैं US ले लेता हूँ, और बहुत ही स्टेबल गाड़ी है यहाँ पे ये। और भाई इतने देर के बाद पहला किल है ये, और भाई क्या ही निपटाया उस बंदे को। भाई इस किल के लिए एक लाइक ठोक दो यहाँ तक, और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और बहुत ही कतई झड़ वाले बंदे को निपटाया, इस पर होता है भाई MK, और मैं MK और DP पकड़ लेता हूँ और निकल पाता हूँ जोन के लिए। और ये जोन के बिल्कुल मिडिल में मार्क करूँगा, और वो पॉइंट भाई मैंने पहले भी खेल रखा है, और बहुत ही अच्छा बिल्कुल स्पॉट है वो। और यहाँ पे एक बंदा अपना गाड़ी फोड़ देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी धुआं धुआं रखा हुआ। बट उससे मैं फ़ाइट नहीं लूँगा, क्योंकि ये बहुत ही बेकार पोजिशन है, क्योंकि पीछे से पड़ सकती है और बहुत ओपन है रोजर की तरफ से भी। और यहाँ पर मैं थोड़ा गलती करता हूँ, और ये देखो नतीजा क्या होता है भाई। कोई बंदा मेरे को स्प्रे देता है और टुक्के में भाई उसका हेडशॉट लग जाता है। टुक्का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे देखो भाई दो दो बंदे मिलके मार रहे हैं, मतलब ये भी एक टीम अप वाला ही है। और भाई अगर उन पर कुछ होता तो भाई वो टीम अप करके नहीं खेल रहे होते, अकेले खेल रहे होते सोलो में। और इधर पर आराम से मैं आके हील करता हूँ, और सामने भाई दिख रहा है आपको पेड़ के लेफ्ट से एक पीक दे रखा है मेरे गाड़ी को देख के, मतलब उसे दिख गया हूँ मैं यहाँ पे। और जैसे मैं निकलूँगा वो मेरे को लपेट लेगा, और उसको भाई क्या करना है ये देखो आगे। तो उससे भाई मैं बिल्कुल उठ के फाइट नहीं ले सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसने भाई बिल्कुल एम लगा के रखा है मेरे ऊपर। तो मैं एक स्मोक करूँगा,
और भाई इसे निपटा दिया है। बट भाई स्मोक बस मैंने अपने बचने के लिए किया है, क्योंकि भाई बचना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक आपको जिंदा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। किल तो भाई एंड में कभी भी मिल जाएगा यहाँ पे। और भाई जस्ट जोन के बॉर्डर में इधर पे ही है, और गाड़ी वहाँ पे मैंने सेफली लगा दिया है। तो भाई अगर आपको पता है कि मैं वो ब्रिज कैंप भी करता हूँ, जहाँ से वो ब्रिज से पास हुआ बंदा, तो उधर पे मैं कैंप करता तो उसको निपटा देता आराम से। तो भाई एमके से मतलब स्प्रे देना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, और डीपी भी थोड़ा ज़्यादा ही काम नहीं आता स्प्रे के लिए। बट इस बार ये बंदा बिल्कुल मतलब जोन का ही डैमेज था उस बंदे को, एक दो गोली में निपटा देता हूँ। इसलिए भाई एमके मतलब क्लोज रेंज में तो बेस्ट है, बट स्प्रे देने में बिल्कुल ठीक नहीं है, जैसे स्कायल और मैं M4 से देता हूँ। तो भाई 3 किल हो चुके हैं अपने यहाँ तक, और 18 अभी भी अलाइव है। और ये जोन देखो, और तभी भाई मेरे ऊपर एक बंदा पुश कर देता है। भाई इसे तो मार देता हूँ, बट भाई इधर पे देखा आपने कैसे बीच में मेरा मैप खुल गया था। तो भाई इसके बाद मैं अपना मैप का जो पोजीशन है वो चेंज कर देता हूँ, क्योंकि भाई बहुत बार ऐसा खुल चुका है फाइट के वक्त। और भाई ये बंदा भी दिख चुका था मुझे, और इसे हेडशॉट से भाई निपटा दिया मैंने 2-3। और फटाक से लूट लेता हूँ, मुझे 7 का एमओ चाहिए था बट इस पे नहीं होता। और जिस बंदे को भाई मैंने अभी डीपी से निपटाया उसका मैं स्पॉट ले लूँगा, क्योंकि वो खाली है और वो जोन में भी है। तो भाई ये भी एक जहर टिप है कि भाई जो बंदा जोन में है उसका अगर उसको मार देते हो तो जाके उसका स्पॉट ले सकते हो। तो अभी सामने से एक गाड़ी वाला आता है, और ये सामने बिल्कुल रोक देगा यहाँ पे। तो जब मैं उसको मारने के लिए भाई नेट करूँगा तो भाई मुझे पीछे से पड़ता है, और भाई जल्दबाजी में नेट छूट जाता है उसी के ऊपर। बट भाई ये मुझसे डैमेज दे देता, बट इसलिए मैं पीछे आता हूँ। और भाई इधर पे गीली का बहुत फ़ायदा होगा मेरे को। और इसे लपेट लेता हूँ, और वो गाड़ी वाला बंदा भी है, तो मैं पहले एक स्मोक कर लूँगा कि और बाकी बंदे चारों तरफ से देखना ले मुझे। तो इसे भी निपटा देता हूँ, और जो स्मोक किया है भाई बहुत ही हेल्पफुल है, इसे थर्ड पार्टी से बच सकते हो आप। और बिल्कुल ओपन में हो बिल्कुल यहाँ पे, लेफ्ट से भी और ऊपर पहाड़ से भी। तो एक और स्मोक कर लेता हूँ कि ये स्मोक ख़त्म होने वाला है, और एक उस डब्बे को कर देता हूँ जिसको भी मैंने मारा है उसे लूटने के लिए। तो भाई बिल्कुल सेफ खेल रहे हैं, बट एग्रेसिव भी है भाई। किल किले में जा रहा हूँ बिल्कुल इस 200 पिंग में भी, और इसमें भाई बहुत सारा मेरे को एमओ मिल जाता है 7 का। और प्लस एंड जोन में कभी भाई थ्रोबेस काम आते हैं, नेड स्मोक मॉली वगैरह सब उठा लो जितने भी मिले आपको। और भाई 7 किल हो चुके हैं, और शानदार बिल्कुल 7 किल थे वो, और 7 अभी भी अलाइव है। तो इस एंड जोन को कैसे खेलते हैं वो भी देखेंगे अभी। तो भाई यहाँ तक देखते हैं, तो भाई लाइक ठोक दो, और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना। अभी भी आगे भाई बिल्कुल एंड तक बाकी है, अभी भी 5 बंदे अलाइव है, और ऊपर पहाड़ पर भाई बंदे हैं, नेड वेड हो रहा था यहाँ पर। और ये वाला बग्गी भाई तब से नचाया जा रहा था, और भाई मैं एंड जोन में गाड़ी का यूज़ नहीं करता हूँ, और जो भाई बग्गी नचा रहा चारों तरफ उसे मैंने निपटा दिया है। मतलब वो सोच रहा कि भाई बग्गी चलाते चलाते पूरा एंड जोन खेल लेगा और चिकन डिनर निकाल लेगा, भाई ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे, आपको मेहनत से किल निकालने पड़ेंगे। और भाई अभी सिर्फ 2 बंदे अलाइव है मेरे अलावा, और उन दोनों को कैसे निपटाऊँगा मैं वो भी देखना। और सामने एक स्मोक हुआ है, और बिल्कुल लेफ्ट में एक शैक था, शैक पे भी गाड़ी लगी थी, तो दूसरा बंदा वहाँ पे हो सकता है। तो भाई जो स्मोक हुआ था सामने, मैं नेट करता हूँ कि टुक्के में लग जाए। और जो पत्थर और बगी है वो जोन के अंदर नहीं है, तो उधर से बंदा मतलब आगे आ गया होगा जोन के अंदर। और भाई इधर पे थोड़ा सा मेरे को एक नेट खुलने का आवाज़ आता है यहाँ पे। और एंड में कभी भी भाई आई बटन का यूज़ करो, उससे क्या है कि आपका बॉडी मूवमेंट नहीं होगा, और इसे मतलब स्पॉट होने में भी आपको मतलब कोई नहीं कर पाएगा। और भाई गिली का तो वैसे फ़ायदा हो ही रहा है मुझे। और भाई इसे निपटाने के बाद जो लास्ट वाला बंदा होता है भाई, वो ऑलरेडी भाई नेट से डैमेज हो गया था, जो पहले बंदा मर चुका था उसने भाई नेट फेंकी थी, और वो मेरा हेल्प करके भाई मरता है, और उससे भाई एक हेडशॉट में निपटा देता हूँ मैं एमके से। और ये बिल्कुल शानदार 10 किल चिकन डिनर है, बिल्कुल एग्रेसिव बट बिल्कुल सेफ
कैसे भाई, मैंने 200 पिंग में चिकन डिनर निकाला 10 किल के साथ, और वो भी 20 यूसी सोलो बोनस चैलेंज मैच में। तो भाई यहाँ तक देखते हो तो भाई लाइक ठोक दो, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, और भाई मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि भाई वीडियो आने से पहले वहाँ पे मैं अपडेट डाल देता हूँ कि आज का वीडियो क्या होने वाला है और अंदर क्या क्या बिल्कुल क्या किल्स देखने को मिलेंगे आपको, वो सारे मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ। और 1300 पॉइंट बोले तो 130 यूसी मिलते हैं इस मैच में मुझे, और कहीं गजब का मैच था ये। और भाई इस मैच के बाद हो जाते हैं मेरे 20,000 बैटल कॉइन पॉइंट, तो वो भी आने वाला है वीडियो कि हम कब उसको रिडीम करेंगे शॉप से। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे।